नमस्कार, मैं कशिश। आइए जानते हैं एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा की सक्सेस के बाद से अपनी करियर की पीक पर हैं। एक्टर साउथ इंडस्ट्री के बहुत पुराने एक्टर रहे हैं और उन्होंने अपनी फिल्मों से फैंस का खूब एंटरटेन भी किया है। ऐसा करते हुए उन्हें 20 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। अब एक्टर के स्टारडम के दायरा सिर्फ साउथ तक ही नहीं बल्कि अब दुनिया भर में पॉपुलर हो चुके हैं। एक्टर को फिल्म पुष्पा से जो सम्मान मिला है वो उन्हें करियर में अब तक किसी फिल्म में नहीं मिला। एक्टर को इस खास मौके पर सभी बधाइयां भी दे रहे हैं। खुद अल्लू अर्जुन भी अभिनय की दुनिया में अपने 20 साल पूरे करके काफी खुश महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आज मैंने फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल पूरे कर लिए हैं। मैं इस मौके पर धन्य महसूस कर रहा हूँ और मैं लोगों के प्यार से घिरा हुआ हूँ। इंडस्ट्री में मेरे सभी सहयोगों को मैं आभारी हूँ। मैं जो भी कुछ हूँ वो सिर्फ अपने फैंस के एडमायरेशन की वजह से हूँ। हमेशा आभारी रहूंगा। इस खास मौके पर अल्लू अर्जुन को सभी विश कर रहे हैं। एक्टर को उनकी को स्टार समांथा रुद्र प्रभु ने ट्वीट करते हुए कहा, धमाके की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। समांथा के कमेंट करने के बाद ही फैंस ने डिमांड कर दी कि समांथा और अल्लू की साथ में फिल्म करनी चाहिए। इसके अलावा मशहूर क्रिकेटर डेविड वार्नर ने भी इस खास मौके पर अल्लू अर्जुन को चेयर किया है और लिखा है, वेल डन मेट। यही नहीं, बॉलीवुड के मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल ने पुष्पा फेम एक्टर को विश करते हुए लिखा, आपको ढेर सारी बधाई, क्या शानदार सफर रहा है। बता दें कि अल्लू अर्जुन ने अपनी फिल्म करियर की शुरुआत साल 2003 में आई तेलुगु रोमांटिक ड्रामा फिल्म गंगोत्री से की थी। ये फिल्म आज से 20 साल पहले 28 मार्च को थिएटर में रिलीज हुई थी। इसका डायरेक्शन राघवेंद्र राव ने किया था। फिलहाल अल्लू अर्जुन पुष्पा के दूसरे पार्ट को लेकर काफी बिजी है। फिल्म विशाखापट्टनम शेड्यूल की शूटिंग खत्म हो चुकी है। इस दौरान फिल्म को कई सारे एक्शन सीन्स की भी शूटिंग की गई है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि 8 अप्रैल को अल्लू अर्जुन के बर्थडे के मौके पर पुष्पा द राइज का ट्रेलर जारी किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।